महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। दक्षिण मध्य रेलवे के चीफ पीआरओ ने बीबीसी हिंदी को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा शुक्रवार सवेरे 5:30 बजे के करीब हुआ। हादसे की वजह पर रोशनी डालते हुए चीफ पीआरओ ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये मजदूर पटरी पर सो रहे थे। दुर्घटना में घायल हुए 5 लोगों को औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। औरंगाबाद के एसपी मोक्षदा पाटिल ने बीबीसी को बताया कि सभी मजदूर औरंगाबाद के पास जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। ये लोग जालना से भुसावल की तरफ जा रहे थे। उन्हें बताया गया था कि भुसावल से ट्रेन मिल जाएगी। परभनी मनमाड़ रेल सेक्शन पर बदनापुर और करमाड़ रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ। करमाड़ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, ये मजदूर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। वो रेल पटरी के साथ चल रहे थे और थकान की वजह से पटरी पर सो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई रेल दुर्घटना में लोगों की मौत बहुत ही दुखद है। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है, उनकी नजर पूरे मामले पर बनी हुई है, सभी संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। दुर्घटना पर रेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा, आज सवेरे जब लोको पायलट ने देखा कि कुछ मजदूर पटरी पर सो रहे हैं तो उन्होंने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साउथ सेंट्रल जोन के रेलवे सेफ्टी कमिश्नर राम कृपाल इस रेल दुर्घटना की स्वतंत्र जांच करेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर दुख जताया है और उनका कहना है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं।